हेलो गाइज, एसके मोटोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का दिन है 1 जनवरी 2022। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो एक हम ही लोगों ने सोच के बैठा था कि 1 जनवरी से हम लोग ब्लॉग रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि अभी हम लोग इस ब्लॉग में नए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, कहीं भी अगर लैग हो चाहे कुछ भी हो। तो धीरे धीरे अब हम लोग आपके चैनल पर ब्लॉग में मिलेगा। और तो अभी सुबह के बज गए हैं 7, तो अभी मैं सूरज नहा धोवा के और रेडी हो गया है। तो अभी उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके उसके बाद निकलते हैं सासाराम, वहाँ पे कुंदन भाई से मिलेंगे। और उसके बाद कुंदन भाई, अगर चैनल पे नए हैं तो वो कुंदन भाई के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन अगर पुराने हैं तो कुंदन भाई के बारे में पता होगा, क्योंकि रेगुलर वही वीडियो डालते हैं, मैं तो बहुत कम डालता हूँ। तो उसके बाद हम लोग क्रिस भाई से मिलेंगे, जो अभी रिसेंटली R15M लिए हैं। तो हम लोग यही 3 हैं जो आज राइड पे जाएंगे। यहाँ से मुंडेश्वरी जाना है और उसके बाद एक और करमचंद डैम है, जो पिछली बार हम लोग कवर किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से कवर कर लिया जाएगा। तो चलते हैं और डायरेक्ट आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉक पे। तो ये रही अपनी दोनों बाइक, भोलू और डेविल। तो आज हम लोग डेविल पे राइड करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले वीडियो में एक्रापोबी का एग्जॉस्ट लगाया था, तो थोड़ा इसका भी टेस्ट भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, क्योंकि थोड़ा सा लाउड भी चाहिए आज। तो निकालते हैं डेविल को। वार्म अप हो जाने दीजिए इसको, थोड़ा सा निकालते हैं बाहर बिना एक्सेलरेट किए हुए। तो गाइस पूरा फॉगी वेदर है, ठंड बहुत है। और बज गए 7:40, ब्लॉक खोल लेते हैं, एक तो सेफ्टी भी हो जाएगा और प्लस ठंड भी लग रहा है बहुत हो गया। और इतना ठंड वो ठीक पे बाइक बना रहेगा, तो मैं बहुत कुछ देखी हुआ आप देख रहे, कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ठंड है और पानी बहुत है। तो भाई जब बात करते हैं कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, तो सबसे पहले निकलेंगे यहाँ से, बड़े कुंदन भाई से मिलेंगे और कुंदन भाई के मिलने के बाद वहाँ से अगर ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिलेगा तो वहाँ कर लेंगे। और उसके बाद जाने वाले क्रिस भाई के पास, जिसके जो जिन्होंने अभी R15 दिए हैं, तो उनसे मिलेंगे। उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे मुंडेश्वरी, जो यहाँ से लगभग मतलब अपने जहाँ से निकले हैं वहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर है, लेकिन अगर वहाँ सासाराम से बात करते हैं वहाँ से 50-60 किलोमीटर है। तो चलते हैं और क्रिस भाई से और कुंदन भाई से मिलते हैं और वहीं पर डायरेक्ट। जहाँ रुकवा दो तुम। तो गाइस हो गया फाइनली यहाँ पे टोटल, तो अब निकलते हैं हम लोग। तो गाइस अब चलते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप दिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं पेट्रोल। तो क्या जब हो गया फ्यूल अप और अब निकलते हैं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट चला जाए वहीं पे ना, अब डायरेक्ट ना, अब रुकना नहीं है बीच में कहीं, कहीं नहीं अब रुकने का, अब डायरेक्ट निकलना है। चलो Thank you.
तो ये रहा क्रिस भाई। कितना दूर है देखो मैप कर डीवी कर डीके की निकालने के लिए निकालने करें क्या एक बार मेहनत करना पड़ेगा फिर से हट दो निकालो ला निकालो। तो यहाँ पे हम लोग डीवी कर निकाल रहे हैं जो फाइनल निकल गए हैं और अब थोड़ा सा अब और लाउड हो जाएगा रोड पे तबाही होगा। सो गाइस अभी केदारनाथ यात्रा हो रहा है। तो गाइस बैक कैम आपको दिखाते हैं यहाँ पे सीढ़ी है यहाँ पे शायद कितना सीढ़ी है अब देखना गिनना पड़ेगा। प्रसाद ले लिए हैं प्रसाद लेने के बाद अब लोग जा रहे हैं दर्शन करने हैं। तो गाइस अभी बस थोड़ा सी सीढ़ी जाने के बाद हम लोग का पूरा एग्जॉटिक होने लगा। कितना सीढ़ी बाकी है देखते हैं। फिर यहाँ पे एक स्टूडियो है आप यहाँ पे आकर फोटो शूट करा सकते हैं। यार अभी लग शायद आधा सा कवर हुआ है उसको बाद अभी और कवर करना है चलते हैं। पूरा हाइट है देखिए नज़ारा देखिए क्या नज़ारा। तो कहते फाइनली स्टूडियो तो चढ़ चुके हैं और अगर आपके पास बाइक या कार है तो आप इधर से आ सकते हैं और यहाँ से चलते हैं। और आगे पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया भाई चलिए अब ख़त्म हो गया टोटल अब पहुँच ही चुके हैं यहाँ पे है अब आ चुके हैं डायरेक्ट मुंडेश्वरी द्वार पे यही गेट है मेन। तो गाइस ऊपर फाइनली चढ़े तो चढ़ने के बाद पता चले कि ऊपर बंद है ऊपर जो मेन गेट है बंद है यही बाहर से ही पूरा दर्शन हो रहा है या इतना ऊपर चढ़ने पे फायदा भी नहीं हुआ। चलिए अब कम से कम जो प्रसाद भी है उसको कम चढ़ा दिया जाए उसके बाद आते हैं दर्शन करके। तो गाइस फाइनली अब दर्शन हो गया है लेकिन दर्शन हुआ क्या मतलब गेट बंद था वहीं से हम लोग निकल गए हैं। तो अब डायरेक्ट जा रहे हैं अब करमचंद डैम और उसके बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वहां का मिलेगा। अगला ब्लॉग यहीं पे इन कर देते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड।